हेलो स्टूडेंट्स, आज ये हमारा सेट्स चैप्टर का फोर्थ लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या करवाया था, सबसेट्स, कंपैरेबल सेट्स, उनकी डेफिनेशंस करवाई थी और उनके क्वेश्चंस करवाए थे। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और उसका बेसिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है इसके अंदर, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, लेट ए एंड बी टू सेट्स, कोई दो सेट हम लेट कर लेते हैं, देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू आइदर ए और बी और बोथ। इसका मीनिंग है, मैं आपको ये डेफिनेशन एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेट लिया 1, 2, 3, 4 और एक बी सेट लिया 3, 4, 5 and 6। क्लियर? अब मैं आपसे पूछती हूँ कि इनकी क्या बताओ, यूनियन बताओ। सबसे पहले यूनियन का सिंबल क्या होता है, यू। ये क्या होता है, ए यूनियन बी, ये यूनियन का क्या है सिंबल। ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ मैंने इसे, सेट बिल्डर, एक्स सच दैट, एक्स कैसा होगा, इसमें एलिमेंट कैसे होंगे, आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब है वो एलिमेंट इसके यूनियन में आएंगे जो या तो ए सेट में हो और बी सेट में हो। देखो पहले ए सेट में क्या है, 1, 2, 3, 4 और बी सेट में 3, 4। 3, 4 ऑलरेडी यहां पे आ गया तो मैं दोबारा से 3, 4 को रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो इसके बाद मैं लिखूंगी 5 and 6। ये होता है यूनियन। क्लियर? एक और एग्जाम्पल देखिए, मैंने कोई ए सेट ले लिया ए बी सी डी और कोई बी सेट ले लिया ई एफ आई और जी। और अब मैं आपसे पूछती हूँ कि यूनियन बताओ, ए यूनियन बी बताओ। तो मैं क्या लिखूंगी इसका आंसर, ए बी सी डी एंड ई एफ आई और जी, इसे बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। तो ये देखिए, दोबारा से आप पढ़िए इस एग्जाम्पल को, देख के आप डेफिनेशन पढ़िए कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू आइदर ए और बी और बोथ। और इसका सिंबल क्या होता है, यू। और कैसे लिखा जाता है, एक्स सच दैट आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, इसे क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स। एक और एग्जाम्पल देखिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है मेरे पास कि ए सेट है एक्स सच दैट वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये किसका होता है सिंबल, बिलोंग्स, और एन किसको करता है, नेचुरल नंबर को। बी सेट ले लिया मैंने एंड वाई बिलोंग्स टू ऑल्सो नेचुरल नंबर। ये सेट बिल्डर फॉर्म है मेरे पास। अब मुझे इसको किसमें कन्वर्ट करनी है, रोस्टर फॉर्म के अंदर। ये कहता है एक्स कैसा है, एक्स वन से तो ग्रेटर है बट फाइव से क्या है, लेस है, और एक्स कैसा है, एक नेचुरल नंबर है। तो मुझे पता है वन के बाद क्या आता है, टू, तो ये क्या बन जाएगा, 2, 3 और 4। यहां पे 5 और 1 मैंने इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं था। अगर इक्वल टू का साइन होता तो मैं 1 भी इंक्लूड करती और 5 भी इंक्लूड करती। अब बी देखिए, बी कहता है 3 से तो ग्रेटर है बट 7 से लेस है, और वाई कैसा है, नेचुरल नंबर है। तो क्या आएगा, 3 के आफ्टर दैट क्या आता है, 4, 5 and 6। यहां पे भी सेम कंसेप्ट है, इक्वल टू होता तो 3 भी आ जाता, इक्वल टू होता तो 7 भी आ जाता। अब मेरे पास ए सेट आ गया 2, 3, 4 और बी सेट आ गया 4, 5, 6। अब मुझे इसकी क्या बतानी है, यूनियन। तो आंसर क्या आएगा, 2, 3, 4, 5 and 6। 4 2 times है ना, बट मैं रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, अभी मैं आपको डेफिनेशन के साथ एक वेन डायग्राम होता है उससे हम यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो भी साथ के साथ देखिए। वेन डायग्राम ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। देखिए वेन डायग्राम क्या चीज होती है, हम कोई भी इसके ऑपरेशन को, यूनियन को हो गया और मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट, उसको हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक रेक्टेंगल शेप में
जो हम एक बनाते हैं उसे हम यूनिवर्सल सेट से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. यूनिवर्सल सेट मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि जो सबसे बड़ा सेट होता है, आपको बताया था ए सेट हो गया, बी सेट हो गया, सी सेट हो गया, कुछ भी लेट करते हो उनको कंबाइन कर दे तो वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है. तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल हम शेप लेते हैं वो क्या होती है, यूनिवर्सल सेट होती है. और जो ये सेट्स होते हैं ना, जैसे ए सेट हो गया, बी सेट हो गया, इसे हम इसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि सबसे बड़ा कौन होता है, यूनिवर्सल. तो अंदर हम मोस्टली क्या होता है, इसको सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं. ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, और जो ए और बी के एलिमेंट्स होते हैं वो इनके अंदर रिप्रेजेंट होते हैं कहीं भी. क्लियर? दोबारा देखिए, यूनिवर्सल सेट इस टाइप से रिप्रेजेंट होता है, और यूनिवर्सल सेट के अंदर जो सेट होते हैं वो सर्कल से रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे ए और बी, और जो उनके अंदर एलिमेंट होते हैं वो इनके अंदर रिप्रेजेंट होते हैं. अब बात चल रही है कि यूनियन. अब देखिए ध्यान से, यूनियन का मतलब मैंने क्या बताया था कि सारे ए के एलिमेंट आगे थे, सारे बी के आगे थे, है ना, लेकिन रिपीट वाला हमने नहीं किया उसको. तो ए और बी का मतलब क्या, कंप्लीट ए सेट एंड कंप्लीट बी सेट. तो इसका हम शेड करेंगे, वेन डायग्राम में हम शेड करते हैं, तो कंप्लीट ए सेट और कंप्लीट बी सेट को हम क्या कर देंगे, इधर शेड कर देंगे. इसे बोलते हैं ए यूनियन बी का वेन डायग्राम. दोबारा देखिए, क्योंकि ये क्या था, ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी मैंने आपको एग्जांपल से क्या करवाया, उससे आपको समझ आना चाहिए कि कंप्लीट ए सेट होता है और कंप्लीट बी सेट होता है, मतलब ए के भी सारे एलिमेंट्स यूनियन में होते हैं, बी के भी सारे एलिमेंट होते हैं. दैट मीन्स देखो, मैंने ऐसे बताया ना आपको कि ये जो ए और बी मैंने सेट लिया है, इनके एलिमेंट्स ऐसे ऐसे सारे, ठीक है. तो इसमें जैसे एक एग्जाम्पल लिया था, आपको एक एग्जाम्पल और देती हूँ मैं यहीं पे, और अच्छे से समझ आ जाएगा. जैसे मान लो ए सेट लिया हमने 1 2 3 4, और बी सेट ले लिया मैंने 3 4 5 6. अब देखो मैंने क्या किया, ये ए सेट ले लिया और ये क्या ले लिया, बी सेट ले लिया. मैं 1 और 2 को तो यहां रिप्रेजेंट कर रही हूं, 5 और 6 को यहां कर रही हूं. अब देखिए 3 4 यहां पे भी है और 3 4 यहां पे भी है ना, तो 3 4 मैं यहां कर रही हूं क्योंकि ये ए में भी है और ये बी में भी है. अब मुझे अगर बात आए कि ये कहते हैं, क्योंकि ये देखिए ये ए वाला भी एरिया आ रहा है इसमें और बी वाला भी आ रहा है, तो 3 4 में यहां लिखूंगी. अब यूनियन की बात क्या होती है, कंप्लीट ए एंड कंप्लीट बी ना, तो मैं इस सारे को क्या कर दूंगी, शेड, क्योंकि सारे एलिमेंट आते हैं ना उसमें. इसे बोलते हैं ए यूनियन बी का वेन डायग्राम. नेक्स्ट देखिए हमारा टॉपिक, ये तो थी यूनियन. अब मैं आपको करवाऊंगी यूनियन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन सेट्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है इसमें कि ए यूनियन बी ऑलवेज इक्वल होता है बी यूनियन ए के. इसे हम और क्या बोलते हैं, यहां पे कॉमोटेटिव लॉ होता है, ये कॉमोटेटिव लॉ. ये आप याद रखोगे कि कॉमोटेटिव लॉ क्या होता है, कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए. ये कहता है कि इन दोनों कंडीशन क्या होती है, इनकी सेम होती है. आप एग्जांपल से कर लो इसको, मैंने ले लिया 1 2, बी मैंने ले लिया 3 4, तो आपको मैं कहती हूँ ए यूनियन बी फाइंड करो, क्या आएगा, 1 2 3 4 आएगा ना. सिमिलरली बी यूनियन ए फाइंड करो, चाहे आगे आ जाए चाहे पीछे आ जाए फर्क नहीं पड़ता, यहां से मैं क्या लिखूंगी, 3 4 1 2, है ना. और आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता. ऑर्डर का मतलब कि अगर यहाँ पे जो पहले नंबर पे है, चाहे वो दूसरे पे हो चाहे तीसरे पे हो, वो एलिमेंट होना चाहिए सेट के अंदर, आगे पीछे वो फर्क नहीं पड़ता. तो ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. और यही हमारी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, और उसे क्या बोला जाता है, कॉमोटेटिव लॉ. क्या है कि ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के. नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है इसके अंदर कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होता है ए यूनियन बी यूनियन सी, और इसे क्या बोला जाता है,
एसोसिएटिव लॉ, ये आपको याद करना है कि ये क्या होते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या आ जाता है, आपको ए सेट दे दिया जाएगा, बी दे दिया जाएगा, सी दे दिया जाएगा, अगर ये कंडीशन ना दे, ठीक है, ये दे दिया तो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन करना. इस कंडीशन के अलावा ये भी बता सकता है कि प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ और नॉट. तो आपको पता होना चाहिए कि ये लॉ क्या कहता है, ठीक है. तो एसोसिएटिव क्या होता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होता है ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी. आप ये एग्जांपल से लेट कर लेते हैं, 1 2 ले लिया, बी ले लिया यहां से 3 4 और सी ले लेते हैं 4 और 5. सबसे पहले आप ये वाली साइड सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं ना, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा मेरे पास 1 2 3 4, यहां तक सॉल्व हो गया. इसका मतलब क्या है, जो ए यूनियन बी आया उसका फर्दर यूनियन किसके साथ लेना है, सी के साथ, यानी कि 4 और 5 के साथ. इसका यूनियन मुझे लेना है 4 और 5 के साथ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या जाएगा 1 2 3 4 एंड 5. एक साइड आ गई, दूसरी साइड पिक कर लेते हैं. पहले मुझे क्या निकालना है, बी यूनियन सी, इसका यूनियन इसके साथ लूंगी मैं, क्या आ जाएगा 3 4 5. अब B यूनियन C मुझे किसके साथ लेना है, A के साथ, यानी कि इसका यूनियन 1 और 2 के साथ, तो क्या जाएगा 1 2 3 4 5 आ जाएगा ना. यूनियन का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, कंप्लीट A सेट एंड ऑल्सो B सेट. देखो दोनों सेटअप क्या आ गए हमारे, इक्वल, और यही हमारी क्या थी, सेकंड प्रॉपर्टी, और उसे क्या बोला जाता है, एसोसिएटिव लॉ बोला जाता है. नेक्स्ट देखिए थर्ड है हमारी, ये कहता है कि ए यूनियन ए, आंसर आएगा ए, और इसे क्या बोला जाता है, आइडेम्पोटेंट लॉ. ये आपको ध्यान रखने है कि इन चीजों को क्या बोला जाता है. ये कहता है कि किसी एक सेट है उसका खुद के साथ यूनियन लेंगे तो दोबारा से वही आ जाएगा. देख लेते हैं भाई, ले लिया ए 1 2 3 ले लिया ना, ए यूनियन ए, ए यूनियन ए का मतलब ए की यूनियन ए के साथ ही, यानी कि 1 2 3 की यूनियन 1 2 3 के साथ ही. और आपको पता है कि एलिमेंट रिपीट नहीं होते सेट के अंदर, तो 1 2 3 यूनियन 1 2 3 फिर से क्या आ जाएगा 1 2 3, क्योंकि मैं ऐसे नहीं लिखूंगी 1 2 3 आफ्टर दैट 1 2 3 ना, सिंगल टाइम लिखा जाता है, और यही हमारी क्या है, प्रॉपर्टी, और इसे क्या बोला जाता है, आइडेम्पोटेंट लॉ. नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, ए यूनियन फाइव इक्वल्स टू ए, और ये क्या होता है हमारा, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फाइव is the identity of union. ये कहता है कि A union phi equals to A. Phi का मतलब आपको पता है null set होता है ना, null होता है. अब ये कहता है किसी भी set का, किसी खाली set के साथ कुछ भी ले लो, phi हो गया या खाली bracket होता है, उसके साथ अगर हम union ले तो दोबारा से वही set आ जाएगा ना, क्लियर, तो क्या हो जाएगा. और दूसरी बात, अगर हम किसी भी सेट के साथ यूनियन लें और दोबारा से वही सेट आ जाए तो फाई होता है ना, उसे बोला जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि किसी सेट के साथ, किसी के साथ हमने यूनियन लिया और दोबारा से वही आ जाए तो जिसके साथ यूनियन लिया जाता है उसे क्या बोला जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट. क्लियर. नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी, ए यूनियन यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल है सेट, इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट ही होता है. तो यहां पे देखिए ये कहता है कि एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं हम 1 2 3 4 5, ठीक है, और ए सेट. अब देखने वाली बात ये, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सबसे बड़ा सेट होता है, उसके अंदर अब हम ए कुछ अलग नहीं ले सकते यहां पे, क्योंकि जो यूनिवर्सल सेट है उसके एलिमेंट ही ए या बी या सी में होते हैं, उनको कंबाइन किया जाता है तो यूनिवर्सल बनता है. तो ए सेट मैं 1 2 ले लूंगी,
मतलब कहने का मतलब यह कि मैं एग्जाम्पल में भी ए सेट अलग नहीं ले सकती, मुझे वही एलिमेंट लेने पड़ेंगे जो यूनिवर्सल सेट के अंदर होते हैं। अब इन दोनों की मैं यूनियन करूंगी तो मेरे पास क्या आंसर आ गया यहां पे, 1 2 3 4 and 1 2, आंसर इज 1 2 3 4 and 5, क्योंकि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। तो देखो जब इनका यूनियन किया तो आंसर फिर से क्या आ गया, एक यूनिवर्सल सेट आ गया। तो हम किसी भी सेट का अगर सबसे बड़े सेट के साथ यूनियन करते हैं तो सबसे बड़ा सेट आता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी। ध्यान देना जरा, ये कहता है अगर ए किसी का सबसेट है तो उनकी यूनियन का आंसर क्या आएगा, बी। अब सबसेट से बात करते हैं, छोटा कौन ए, बड़ा कौन बी। बताया ना आपको उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि सबसेट का मतलब क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर होते हैं, बी के अंदर होते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, ए हो गया ए बी और बी क्या हो जाएगा ए बी सी हो गया मान लो, क्योंकि ए वाले एलिमेंट तो एज इट इज बी में होने ही चाहिए ना। कहा है उसने कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए इज कंटेन्ड इन बी, तो ए के एलिमेंट सारे बी के अंदर होंगे। और अब हमें क्या करना है, ए की यूनियन बी के साथ करनी है। तो यूनियन किया तो ए बी सी आ गया ना मेरे पास आंसर, और वो किसके इक्वल आ गया, बी सेट के, और यही हमें प्रूफ करना था। दोबारा देखिए क्या कहता है, अगर ए सबसेट हो बी का तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, बी के इक्वल होता है। इन शॉर्ट और क्या कह सकते हैं, जो बड़ा होता है वो यूनियन का क्या होता है, हमेशा आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर ए यूनियन बी इक्वल्स टू फाइव आ जाए तो ए बी फाइव होता है और बी भी क्या होता है, फाइव होता है। ये कहता है कि अगर किन्हीं दो सेट का यूनियन फाइव के इक्वल आ जाए, मतलब एक नल सेट आ जाए, इसका मतलब होता है दोनों सेट्स ही क्या है, नल ही है। नल सेट का यूनियन करें तो ही नल सेट आता है। क्लियर। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है हमारे पास, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। पहला क्या था, यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब बात करते हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन की बात करते हैं, ये यूनियन से जस्ट अपोजिट होता है। यूनियन में तो हम क्या लिखते हैं, ये होता है ना सिंबल, यहां जो सिंबल होता है वो ये होता है, उल्टा यू। उल्टा यू का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। और यूनियन में क्या बताया था अभी मैंने आपको, 1 2 3 है बी, 3 4 5 है, तो हम ए यूनियन बी क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 करते हैं ना। अब इंटरसेक्शन को देखिए कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले x such that x belongs to a and x belongs to b। अच्छा एक बात रह गई बतानी कि यूनियन होता है उसको एक और से भी हम जानते हैं, जहां पे और नाम आ जाए उसका मतलब भी क्या होता है, यूनियन नाम हो जाता है। जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में लिखा था ना कि x belongs to this either or x belongs to b, तो और का मीनिंग भी क्या होता है, यहाँ पे यूनियन होता है। और यहाँ पे एंड का मीनिंग क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। और का मीनिंग यूनियन, एंड का मीनिंग इंटरसेक्शन। अब देखिए एग्जाम्पल से, इसी एग्जाम्पल से मैं आपको इंटरसेक्शन बताती हूँ। ए सेट लिया मैंने 1 2 3, बी लिया 3 4 5। इंटरसेक्शन क्या कहता है कि जो एक्स है, मतलब जो एलिमेंट है, वो ए में भी होना चाहिए एंड बी में भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 1 2 3 मैंने देखा और 3 4, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है, मैंने देखा 3 ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी है, इसका मतलब इसका आंसर हुआ 3। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ऐसा एलिमेंट जो दोनों में होना चाहिए, कॉमन बोल सकते हैं इसको। तो देखेंगे हम कि कौन सा एलिमेंट दोनों सेट में है वो उसका क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एंड नाम आ जाए तो भी क्या होता है उसका मीनिंग, इंटरसेक्शन। और कोई एग्जांपल ले लीजिए आप, कुछ भी एक्स ले लिया ए बी सी डी, बी ले लिया यहां पे मैंने सी डी ई एफ, और मैं आपसे पूछती हूं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन बताइए,
तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, मैंने देखा कि सी इसमें भी है और डी इसमें भी है, तो आंसर होएगा सी कोमा डी, ऐसा एलिमेंट जो दोनों सेट में होना चाहिए उसे क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब बात करते हैं इसके वेन डायग्राम की, कि इंटरसेक्शन कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय वेन डायग्राम। ये यूनिवर्सल सेट हो गया मेरे पास, ये ए सेट हो गया और ये बी सेट हो गया ना। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, यानी कि जो दोनों में रिप है हमारे पास, जैसे ए सेट मैंने लिया 1 2 3, बी सेट ले लिया 3 4 5, तो मुझे पता है इसका आंसर है 3, पता है ना आंसर 3 है। अब हम पहले इन पॉइंट्स को इन सेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये 1 लिख दिया, ये 2 लिख दिया, ये मैंने 4 लिख दिया, ये 5 लिख दिया। अब 3 देखो दोनों में है, और दोनों का मतलब क्या है, जो ए में भी हो और जो बी में भी हो, तो 3 यहां पे रिप्रेजेंट होगा। ये बात तो समझ आ रही है ना कि 3 जो है वो ए में भी है और बी में भी है, और मैंने आपको बताया कि उसमें सेट में जब हम लिखते हैं तो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता ना, तो 3 मैंने यहां पे लिख दिया, ये ए का भी पार्ट हो गया बी का भी पार्ट हो गया। तो जो इंटरसेक्शन है उसे हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन पार्ट, दोनों का कॉमन पार्ट। तो ये जो शेड करेंगे इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। यूनियन क्या था, कंप्लीट ए एंड कंप्लीट बी, बट इंटरसेक्शन क्या आएगा, जो ए का भी पार्ट हो जिसमें बी का भी पार्ट हो, इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम। अब देखिए मैं इंटरसेक्शन की आपको प्रॉपर्टीज कराती हूं, जैसे यूनियन की कराई थी। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी वही जैसे यूनियन में बताया था कि ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के। अब मैं आपको प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको सीधा प्रॉपर्टीज बता देती हूं, क्योंकि आप एग्जांपल की हेल्प से इस चीज को प्रूव कर सकते हो। मान लो कि ए, एक बता देती हूं, 1 2 है, बी 2 3 है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होएगा, 2 ही होएगा। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बी का इंटरसेक्शन ए के साथ क्या आएगा, वो भी 2 ही होएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या होते हैं, इक्वल, और इसे क्या बताया था मैंने, कॉमोटेटिव लॉ। सेकंड प्रॉपर्टी इसमें वही होती है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। तो ये भी आप विद एग्जांपल कर सकते हैं, और इसे क्या बोला था, एसोसिएटिव लॉ। थर्ड का था हमारे पास प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए, और इसे क्या बताया था, एडम्पोटेंट लॉ। पहले मैं अच्छे से बता दी इसलिए मैं ज्यादा रिपीट नहीं कर रही। अब देखिए ए सेट ले लिया मैंने 1 2, ठीक है, ये कहता है 1 2 का इंटरसेक्शन 1 2 के साथ लो, और इंटरसेक्शन क्या होता है, जो इसमें भी और जो इसमें भी हो, तो आंसर क्या आ गया, 1 2 ही आ गया ना, और यही हमारी क्या है, प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, कि ए का इंटरसेक्शन अगर खाली के साथ ले तो क्या आता आंसर, खाली। मान लो कोई एक सेट है 1 2 और बी सेट है खाली, है ना, कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट क्या होता है, देखो जो यहां पे भी हो जो यहां पे भी हो, यहां पे देखा 1 2 इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं इसका इंटरसेक्शन होगा, खाली, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, किसी भी सेट का अगर इंटरसेक्शन किसी नल के साथ लिया जाता है तो आंसर क्या आता है, 5 आता है। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ है, कि अगर किसी एक सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ ले तो छोटा सेट आता है। देखो यूनियन और इंटरसेक्शन में उल्टा चलता है, यूनियन में क्या था कि भी अगर किसी एक सेट का बड़े सेट के साथ यूनियन ले तो बड़ा सेट आंसर आता है, यहां पे छोटे वाला आंसर आएगा। देखो जैसे यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने 1 2 3 और ए सेट ले लिया 1, अब हम इन दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा ना, एंड दैट इज ए सेट। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, छोटे वाला सेट आएगा, और यूनियन का मतलब क्या होता है, बड़े वाला सेट आएगा। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ, ये कहता है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अब आपको खुद से सोच लेना चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, यूनियन में बड़ा सेट आता है, यहां पे छोटा ए है बड़ा बी है। अगर यहां पे यूनियन की बात होती तो मैं बी लिखती, यहां इंटरसेक्शन की बात हो रही है तो छोटे वाला क्या आएगा इसका आंसर, क्लियर। तो ये कहता है ना ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए छोटा बी बड़ा,
तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, और इंटरसेक्शन क्या आता है, छोटा आता है ना, तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा यहां पे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के, और इसे क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब एग्जाम में क्या आ जाता है, अगर मान लो कोई ए सेट हो गया, दे दिया जाएगा, बी दे दिया जाएगा, सी दे दिया जाएगा, और आपको या तो ये आ जाएगा सीधा कि प्रूव दैट दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड। अगर ये नहीं आता है सीधा, अगर वो कह देता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव कीजिए कि यह सेटिस्फाई करता है क्या, तो आपको लर्न होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। अब देखिए, सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं, आप सेट के थ्रू से भी कर सकते हो। ए बी सी सेट ले लीजिए, ये दोनों सेट्स इक्वल आ जाएंगे। मैं आपको वेन डायग्राम से भी करके दिखाती हूँ। सबसे पहले क्या होगा, यूनिवर्सल सेट लिया मैंने। वेन डायग्राम में जब तीन सेट होते हैं तो उन्हें इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियर। मैं पहले ये वाला सेट पिक कर रही हूँ, पहले मैं बी यूनियन सी लेके आ रही हूँ। तो देखिए, बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है बच्चों, कि कंप्लीट बी एंड कंप्लीट सी ना। ये मैंने देखा, ये बी है, यहां तक जा रहा है, मैं शेड कर रही हूं इसको, ठीक है। ये मैंने सारा बी सेट शेड कर दिया, अब मैं सारा सी सेट भी शेड करूंगी। क्लियर हुआ पहली पॉइंट, ए बी यूनियन सी का मतलब क्या है, कंप्लीट बी सेट एंड कंप्लीट सी सेट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कहता है कि बी यूनियन सी के साथ कॉमन पॉइंट ले लो ए का। अब ध्यान देना जरा, ये तो था बी यूनियन सी और एक सेट ए होता है ये। अब देखो कि ऐसा पॉइंट या ऐसा रीजन शेड रखो यहां पे करो कि जिसमें ये वाला पॉइंट भी आए और ए का भी कॉमन आए। तो मैंने ऐसा देखा कि पहले बात तो मैं इसको रिमूव कर दूंगी क्योंकि इसके अंदर ए नहीं है, तो ये शेडेड रीजन हटा दिया क्योंकि ये तो बी का पॉइंट है ना। अब बात करते हैं कि फिर से ए कहां नहीं आ रहा, ए इसके अंदर भी नहीं आ रहा क्योंकि ये किसका पॉइंट है, बी और सी का कॉमन है ये। तो ए तो यहां तक ही है ना, ए की लाइन तो ये डार्क कर दी मैंने, यहां तक ही है। और मैं इस वाले को भी हटा दूंगी क्योंकि ये तो सी है, इसके अंदर भी ए नहीं आ रहा। कहने का मतलब है मुझे वो वाला रीजन लेना है जिसमें ए भी आ रहा हो और बी यूनियन सी भी आ रहा हो और उसका इंटरसेक्शन हो, समझ रहे हो। अब देखो, ये वाला सिर्फ ऐसा है हमारे पास रीजन आया कि जिसका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आएगा। सिमिलरली अब मैं आपको वो वाला करके दिखाती हूं, पहले हम ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं। ये ए बी सी हुआ, मैं आपको अलग अलग पहले करके दिखाती हूं फिर कंबाइन करूंगी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ ये वाला पॉइंट, कर लिया शेड, यही है ना। देखो ए भी आ रहा है इसमें, बी भी आ रहा है इसके अंदर। अगर सी नहीं लेके आते तो सीधा ऐसे समझ आ जाएगा। ये देखो ए और बी का इंटरसेक्शन ये वाला बताया था पहले मैंने आपको। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन सी का। तो ये ए लिया है और ये यहां पे सी लिया है ना मैंने। अगर आपको बी में डार्क नहीं करूं, अगर नहीं समझ आता तो ये वाला इसका होगा, हो गया ना डार्क। अब यहां पे बी ऐसे लिख लो चाहे, ठीक है, यहां पे सी था। अब इन दोनों को क्या करना है, कंबाइन यूनियन करना है हमें इसका। तो देखिए, यूनियन का मतलब जो इसका शेड है, जो इसका शेड है उसको मिला दो। मैंने यहां पे देखा कि यहां पे ये वाला शेड है और यहां पे ये वाला शेड है, तो जो अब मेरे पास आंसर आएगा तो मैं यहां पे भी शेड कर दूंगी। दोबारा से देखिए ध्यान से जरा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या था, ए और बी का जो है कॉमन वो डार्क करा। ए इंटरसेक्शन सी का मतलब ए और सी का कॉमन है वो डार्क करा मैंने रीजन। यूनियन इन दोनों को मिला दो तो ये आ जाएगा। अब देखो ये वाला और ये वाला क्या आ गया मेरे पास, इक्वल आ गया, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये मैंने आपको विद वेन डायग्राम करवाया, आप एग्जांपल से तो खुद ही कर ही सकते हैं इसको। आगे क्वेश्चंस में मैं आपको एक्सरसाइज में करवा दूंगी ये वाली प्रॉपर्टी प्रूफ। सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी भी होती है, ये तो फर्स्ट थी, सेकंड क्या होती है, यहां पे यूनियन लग जाता है, यहां पे इंटरसेक्शन लग जाता है, और उधर भी साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। वो आप खुद से कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट ऐसे सेट होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन
ना हो, जैसे 1, 2 हो गया, B हो गया 3, 4। डिसजॉइंट सेट का कैसे लिखा जाता है, जब किन्हीं दो सेट की हम इंटरसेक्शन करें और हमें आंसर 5 मिले, मतलब आंसर कुछ मिले ही ना। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब जो एलिमेंट यहाँ है क्या वो यहाँ है, मैंने देखा ये 1, 2 है, यहाँ 3, 4 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आया, खाली सेट आया, और इसे बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। वेन डायग्राम से इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये यूनिवर्सल हो गया, ये ए सेट हो जाएगा, ये बी सेट हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1, 2 लिख दिया मैंने, 3, 4। अब मैं ये नहीं लिखूंगी क्योंकि यहाँ पे कॉमन तो आ ही नहीं रहा। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डिसजॉइंट को, कि ए सेट अलग है और बी सेट अलग है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। सबसे पहले इसको कैसे डिनोट किया जाता है, या तो ये और या ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, आपको मैं एग्जांपल से समझाती हूं। मैंने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया 1, 2, 3, 4, ए सेट ले लिया मैंने 3 और 4। अब मैं आपको कहती हूं कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब सबसे पहली बात है कि अगर जब भी हमें किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है किसी सेट का, तो हमें उस क्वेश्चन के अंदर यूनिवर्सल सेट चाहिए होगा। अगर यूनिवर्सल सेट है तो ही हम उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, मैं यूनिवर्सल सेट को देखूंगी सबसे पहले, और जिसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसके एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में कैंसिल कर दूंगी, जो बचेगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। क्लियर। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लो, यहां पे मान लो बी सेट ले लिया मैंने 1, ठीक है, 3, 4। अब मैं आपको कहती हूं कि बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो आप सबसे पहले किसको देखोगे, यूनिवर्सल को। बी का क्या है 1, तो 1 को क्या कर दो, कैंसिल, क्या बचेगा 2, 3, 4। इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। वेन डायग्राम में हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, मान लो ये ए सेट है कोई, ठीक है, मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट बताना है। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, देखो आंसर में देखो, पहले ए था यहां पे 3, 4 ना, तो आंसर में ए नहीं आया ना, जो बचा वो आया यूनिवर्सल में, तो ये सारा यूनिवर्सल सेट होता है अंदर वाला, तो ये सारा ए को छोड़ के बाकी सारा शेड हो जाएगा। इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट को हम देखेंगे, जिस सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसके एलिमेंट हम यूनिवर्सल सेट में कैंसिल आउट कर देंगे, जो बचेगा वो उसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। इसकी प्रॉपर्टी है एक दो देखिए कॉम्प्लीमेंट की। फर्स्ट है हमारे पास कि अगर किसी एक सेट का किसी खुद के कॉम्प्लीमेंट के साथ जब हम यूनियन करते हैं तो यूनिवर्सल सेट आ जाता है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 1, 2, 3, ए सेट दे दिया 1, और मैं कहती हूँ ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो आप 1 को कैंसिल कर दो, आंसर आ जाएगा 2 और 3। अब इन दोनों का यूनियन कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 1, 2, 3। और यही हमारी प्रॉपर्टी थी कि अगर किसी एक सेट का खुद के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लिया जाए तो यूनिवर्सल सेट आ जाता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में हम यूनिवर्सल से ही कट करते हैं ना किसी का एलिमेंट्स। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है कि खाली सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करें तो यूनिवर्सल सेट होता है, और अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करें तो क्या होता है, खाली सेट होता है। सिमिलर वही बात है, यूनिवर्सल सेट है मान लो 1, 2, 3, और आप कहते हो यूनिवर्सल का ही कॉम्प्लीमेंट करो, यानी कि यूनिवर्सल के एलिमेंट्स यूनिवर्सल में ही काट दो, तो 1, 2 से तो 1, 2, 3 कट ही जाएंगे, आंसर क्या होगा, खाली, और यही हमें प्रूव करना है। ऐसे किसी खाली का कॉम्प्लीमेंट, मान लो ये खाली है सेट, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, खाली के एलिमेंट यूनिवर्सल में से माइनस करो, खाली के क्या माइनस करेंगे हम, तो दोबारा से क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये कहता है कि किसी एक सेट का दो बार कॉम्प्लीमेंट करे तो दोबारा से वही आ जाता है। यूनिवर्सल सेट ले लिया ए बी सी, ए सेट ले लो ए, सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, क्या आ जाएगा, ए से ए कैंसिल, क्या बचा, बी सी, है ना। अब दोबारा से इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है,
अगर एक बार कॉम्प्लीमेंट किया फिर दोबारा कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी कि मैं फिर से यूनिवर्सल को देखूंगी, यूनिवर्सल में से बी और सी को काट दूंगी, क्या बचेगा आंसर ए। तो दोबारा देखिए वही आ गया ना ए। तो अगर हम किसी एक सेट का दो बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो दोबारा से वही सेट आ जाता है। अब इसके बाद एक दो डेफिनेशंस और रह गई, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी अच्छे से, और उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए इतना ही, ये आप अच्छे से कीजिए, हर एक लॉ को लर्न कीजिए, सारे डेफिनेशंस अच्छे से पढ़िए, तभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इजीली हो पाएंगे। थैंक यू।